क्या डायबिटीज में हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? सारे टाइप के ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, इसीलिए उन्हें बहुत ही सोच समझ के माइंडफुली पिक करना आना चाहिए कि कौन सी ड्राई फ्रूट्स खाने से हमें बेनिफिट मिलेगा और कौन से ड्राई फ्रूट खाने से हमारे ब्लड शुगर लेवल में इंक्रीज नहीं आएगी। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनमें हाई कैलोरी होती है, लेकिन हाई कैलोरी होने के बाद भी उनके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं कि डायरेक्टली वेट गेन नहीं होता, लेकिन उन्हें अगर पोर्शन कंट्रोल में या सोच समझ के ना खाएं तो उसकी वजह से हमारा वेट गेन भी हो सकता है। स्पेशली अगर आप ड्राई फ्रूट्स को सॉल्ट के साथ खा रहे हैं या फिर उसमें सॉल्ट की कवरिंग है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, उसकी वजह से डायबिटीज या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सॉल्ट कोटेड ड्राई फ्रूट्स को ना खाएं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा फ्लेवर चाहते हैं तो आप उसे रोस्ट करके खा सकते हैं, लेकिन सॉल्ट के साथ ना खाएं। अब ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं? पहला वॉलनट, जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहें तो वॉलनट जो है उसमें रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लाइपोइक एसिड उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट रहता है जो कि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन से हमें बचाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है हमारी बॉडी में, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और लंबे समय तक हमें सेंस ऑफ फुलनेस देता है, हमें प्रिवेंट करता है अनहेल्दी स्नैकिंग से। दूसरा आ जाता है आलमंड। आलमंड्स को अगर आप भिगोकर अगले दिन सुबह खाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा हमारी बॉडी पर असर देखा गया है। प्लस आलमंड्स आर रिच इन मैग्नीशियम, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल एज वेल एज हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है, तो आलमंड्स डायबिटिक कंडीशंस में भी यूजफुल होता है खाने में। फिर आता है पिस्टैशियोस। पिस्टैशियोस भी जो है वो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट है जो कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। पिस्टैशियोस आर गुड फैट, रिच इन फाइबर, और हमें हेल्प कर सकता है डायबिटीज प्रिवेंट या कंट्रोल करके मैनेज करके रखने में। नेक्स्ट आता है पीनट। पीनट तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि पीनट को इंक्लूड किया गया है। पीनट तो बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि पीनट इज कंसिडर्ड एज डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक। पीनट इज रिच इन फाइबर, रिच इन आयरन, और हमें बहुत सारे अच्छे हेल्दी बेनिफिट्स देता है। ना सिर्फ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, प्लस ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखने में हमें हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अंजीर, जिसका इंग्लिश में नाम होता है फिग्स, जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको एक होलसम ग्रीन की तरह माना गया है। इसको अगर हम कंट्रोल पोर्शन में खाएं तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। प्लस ये हमारे बोन्स और मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी मानी गई है। इसमें रिच इन फाइबर होता है, रिच इन मैग्नीशियम, रिच इन कैल्शियम, तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है। नेक्स्ट आता है डेट्स या खजूर। तो स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि अगर आप खजूर को सही मात्रा में खाते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को वो मेंटेन करके रखने में हेल्पफुल होता है। फिर आ जाता है प्रूंस, यानी कि ड्राइड प्लम्स। इनको भी अगर आप मॉडरेशन में खाते हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस उन लोगों को जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन होता है डाइजेशन का प्रॉब्लम, तो प्रूंस ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। प्लस हमारे जो ओवरऑल जो लोग वेट लॉस प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी प्रूंस अगर आप उनको इंक्लूड करें उनके डाइट प्लान में तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ड्राई फ्रूट से रिलेटेड वो ये है कि कितना ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं जो कि बेनिफिशियल हो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, एज वेल एज जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जो ड्राई फ्रूट को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने प्लान में। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, उन्होंने बताया कि एक दिन में कोई भी इंडिविजुअल 45 से 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तक ले सकता है। तो अगर आप 1/4 कप ऑफ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जो आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स यूजुअली इनमें वाटर कंटेंट कम होता है और कैलोरी भी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इनकी इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कि हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट देखा गया है। तो इसको आप ज़रूर अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहें और अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें फॉर बेटर रिजल्ट एंड बेनिफिट्स। आई होप मेरा वीडियो यूजफुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।